ठंडियों में अगर गर्मा गर्म गाजर का हलवा खाने को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, क्योंकि सर्दियां चल रही है और सर्दियों में इतनी अच्छी फ्रेश गाजर मिल रही है, तो क्यों ना आज हम बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से, बिल्कुल पारंपरिक तरीके से गाजर का हलवा बनाते हैं। तो शुरू करते हैं हम रेसिपी को। मैं हूँ वंदना और स्वागत करती हूँ आपका कुसुम्स किचन में। यहाँ मैंने गाजर का हलवा बनाने के लिए ली है गाजर। गाजर को हमने स्किन हटा दिया है वॉश करके, उसके बाद इसके फ्रंट और बैक जो पोर्शन है वो भी हम हटा देंगे। उसके बाद हमें गाजर को अच्छे से कद्दूकस कर लेना है, यानी कि हम इसे ग्रेट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें सारी गाजर को कद्दूकस कर लेना है। यहाँ मैंने जितनी भी कैरेट्स ली थी, जितनी भी गाजर ली थी, उसे मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है और ये काफ़ी सारी हो चुकी है, क्योंकि मैंने 1 किलो गाजर ली थी तो हम यहाँ बना रहे हैं 1 किलो गाजर का हलवा। सो यहाँ मैंने पैन में लिया है अराउंड 60 मिलीलीटर घी, यानी कि क्लेरिफाइड बटर। हलवा कैसा भी बनाया जाए हमेशा उसे घी में ही बनाया जाता है, तो यहाँ हमने घी का इस्तेमाल किया है। एक नॉन स्टिक पैन ले लिया है मैंने बड़ा वाला, और उसके अंदर हमने जैसे घी गर्म हुआ जो कद्दूकस करके रखी हुई थी गाजर वो इसमें हमने ऐड कर दिया है। फ्लेम को मैंने यहाँ पर मीडियम करके रखा हुआ है और अब हम इसे बीच बीच में चलाते हुए कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए भून लेंगे, जब तक कि हमारी गाजर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती। गाजर को भूनते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं। अभी इस वक्त इसमें से घी के साथ भुनने की बहुत भीनी भीनी सी खुशबू आने लगी है और इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। थोड़ा सा और टाइम ले लेगी, उसके बाद में ये सॉफ्ट हो जाएगी, तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। तो आप देख सकते हैं गाजर को मैं आपको दिखा रही हूँ अराउंड 15 मिनट्स के बाद, जब ये काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है, अब टाइम आता है इसमें दूध ऐड करने का। तो यहाँ हमने ली थी 1 किलो गाजर, सो इसमें मैं ऐड करी हूँ 1 लीटर मिल्क, यानी कि 1 लीटर दूध। दूध आप कोशिश करें फुल फेट क्रीम मिल्क ही लें। मीडियम फ्लेम पर अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि इसमें से दूध कम्प्लीटली रिड्यूस नहीं हो जाता, जब तक कि दूध पूरी तरह से गाढ़ा नहीं हो जाता, गाजर में बिल्कुल दूध दिखना बंद नहीं हो जाता, तब तक हम इसे पकाएंगे। आज जो गाजर का हलवा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बिल्कुल ट्रेडिशनल, बिल्कुल पारंपरिक रेसिपी है जो काफ़ी सालों से हमारे घरों में बनाया जा रहा है। उस रेसिपी से, उस तरीके से हम गाजर का हलवा बना रहे हैं। पर अगर आपके पास टाइम नहीं है, बहुत क्विक आप गाजर का हलवा बनाना चाहते हैं, गाजर को आपको कद्दूकस नहीं करना है, ग्रेट नहीं करना है, फटाफट से आप गाजर का हलवा बना लें, सेम टेस्ट बिना किसी झंझट के, बिना गाजर को घिसे, बिना ग्रेट किए, फटाफट से जो इतना टाइम इसमें लगता है उसके बिल्कुल हाफ टाइम में, बिल्कुल आधे टाइम में तो मैंने प्रेशर कुकर में गाजर का हलवा बनाया था, वो रेसिपी आप चेकआउट कर सकते हैं। लिंक उसका आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसे भी देख लें। यहाँ पर दूध काफ़ी रिड्यूस हो चुका है, बट अभी भी हम इसे बीच बीच में चलाते हुए पका रहे हैं। और शादियों में आपने गाजर की बर्फ़ी तो ज़रूर खाई होगी, और मार्केट में भी वो हलवाई जो बनाते हैं वो वाली गाजर की बर्फ़ी अगर आपने खानी है तो वो भी मैंने अपने चैनल पर आपके साथ में उसकी रेसिपी शेयर की हुई है पहले। अगर आपने खाना पसंद है, आपको बनाना पसंद है, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप गाजर की बर्फ़ी भी बहुत आसानी से, जो बहुत ही टेस्टी होती है, आप चेकआउट कर लें, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हलवा को कुक करते हुए मुझे एग्जैक्ट इस वक्त 30 मिनट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर दूध जो है वो काफ़ी रिड्यूस हो चुका है। ये है मेरे पास 60 ग्राम मावा, यानी कि खोया। ये मैंने घर पे बनाया हुआ खोया था, वो इसके अंदर कद्दूकस कर दिया है और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खोया जो है वो किस तरह से बनाया जाता है घर पर, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो भी आप रेसिपी चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपके पास खोया नहीं है या आप बनाना नहीं चाहते हैं, तो खोया की जगह इसमें जब आपने दूध ऐड किया है तो दूध को आधा लीटर और ज़्यादा बढ़ा लें, यानी कि इसमें टोटल 1.5 लीटर दूध ऐड कर सकते हैं, उससे भी आपका हलवा एकदम परफेक्ट बनेगा। और यहाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ
इलायची पाउडर जो मैंने हाफ स्पून ऐड किया है, शुगर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 30 ग्राम, यह आप पे डिपेंड करता है आपने कितना मीठा खाना है। यहाँ पर मैं मुट्ठी भर काजू डाल रही हूँ, किशमिश है आपके पास तो ज़रूर डालें, किशमिश से इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर गाजर का हलवा बना रहे हैं तो कोशिश करें नॉन स्टिक पैन का यूज़ करें, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, चलाते चलाते इसमें हाथों में हल्का सा पेन होने लगता है, तो अगर नॉन स्टिक पैन यूज़ करेंगे तो वो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा आपके लिए, ज़्यादा आपने चलाना नहीं पड़ेगा। शुगर इसमें मेल्ट होता है तो इसमें थोड़ा सा और लिक्विड हमें दिखने लगा है, बबल्स जब तक आपको दिख रहे हैं तब तक आप पकाते रहें कंटिन्यू चलाते हुए। एग्जैक्ट 40 मिनट हो चुके हैं मुझे कुक करते हुए और आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा लिक्विड अभी भी दिख रहा है, पर अगर आपको ऐसा ही खाना पसंद है तो आप इसे इसी वक्त बाहर निकाल लें और सर्व कर सकते हैं। कुछ लोगों को इसे बिना लिक्विड के खाना अच्छा लगता है, तो आप इसे थोड़ा सा और कुक करेंगे 5 मिनट, तो इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी, इसमें लिक्विड नहीं होगा तो आप इसे लंबे टाइम तक स्टोर कर पाएंगे। मैंने इसे और 5 मिनट कुक कर लिया है, आप देख सकते हैं अभी इसमें मुझे कोई लिक्विड नहीं दिखाई दे रहा है और ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है। गैस को हम बंद कर देंगे और फिर इसे प्लेट आउट कर लेते हैं। तो हमारा गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनकर के रेडी हो चुका है। आप चाहें तो इसे बना करके फ्रीज में स्टोर कर सकते हैं और जब भी आपको खाना है आप इसे बाहर निकालें और गर्म करके सर्व करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। विंडो के जस्ट नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे हिट कर दें, उससे मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। बेल आइकन है उसे एक बार प्रेस कर देंगे तो मैं कोई भी वीडियो शेयर करूँगी इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा और मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस नहीं होगी। तो आप भी बनाएं, एंजॉय करें और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।